नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप डॉग लवर हैं तो आपको यह न्यूज़ जान के काफ़ी अच्छा लगेगा। ये वीडियो देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एज अ डॉग लवर काफ़ी अच्छा महसूस हो। दोस्तों कुनो पार्क में जो काफ़ी हमारे वहाँ चीते ला गए हैं, 8 चीते जो लाए गए वहाँ पर, उनकी काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की जा रही है। दोस्तों जब उनको खुला रखा जाएगा तब उनको काफ़ी शिकारियों से डर रहेगा, शिकारियों से उनको बचाना होगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है पता है आपको? कुनो पार्क में जो 8 चीतों की रक्षा करने के लिए जर्मन शेफर्ड डॉग से उनको ट्रेन किया जा रहा है। ITBP के जवान उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों इसी वजह से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो शिकारियों से बच सके और शिकारी उनसे दूर रह सके। दोस्तों नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को सबसे ज़्यादा डर किसी से है तो वो है शिकारी, लेकिन मोदी सरकार ने उनसे निपटने का रास्ता तलाश कर लिया है। इसके लिए 6 जर्मन शेफर्ड कुत्तों को ट्रेन किया जा रहा है। हरियाणा के सेंटर में ITBP के जवान इन्हें इस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं जिसे शिकारी जो है वो चीतों से दूर रहेंगे। ITBP के IG ईश्वर सिंह दुहन जी का कहना है कि कुत्तों में सूंघने की बेहतरीन क्षमता होती है, उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल शिकारियों की पहचान करने में हो सकता है और उससे शिकारियों की पहचान की जा सकती है। उनका कहना है कि जंगल में शिकारी सक्रिय रहते हैं क्योंकि जानवरों को मारने के बाद उन्हें मुंह में गिर रकम मिलती है। इसी वजह से हमारे देश में टाइगर, चीते, हाथी और गैंडे जैसे जानवर जो है वो असुरक्षित है और जिनको शिकारियों का खतरा रहता है। दोस्तों शिकारियों पर लगाम लगाने के लिए एक NGO वर्ल्ड है WWF, जिसने हरियाणा के भानु में 2008 में एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था। देश में ऐसे सेंटर केवल 2 है जहां कुत्तों को ट्रेन किया जाता हो। भानु में फिलहाल 6 जर्मन शेफर्ड कुत्तों को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा एक 5 महीने की फीमेल डॉग भी है जिसका नाम इलू रखा है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसे 6 जर्मन शेफर्ड कुत्तों के दल में शामिल कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सेंटर में 3 से 5 माह की उम्र के कुत्तों को भेजा जाता है, फिर वो सारी उम्र अपने ट्रेनर के साथ रहते हैं। उन्हें केनाइन स्क्वाड के लिए तैयार किया जाता है। 12 घंटे रोजाना उन्हें दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। इसके अलावा विस्फोटकों, नारकोटिक्स और वाइल्ड लाइफ को लेकर कई ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान रहे, PM मोदी जी ने अपने बर्थडे पर दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते भारत में लाए। इन सभी को कुनो पार्क में रखा गया है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कहीं इनका शिकार ना हो जाए। चीतों को बचाने के लिए सरकार ने एक रणनीति तैयार की है। इसमें चीता मित्रों को भी शामिल किया गया है। चीता मित्रों के साथ जर्मन शेफर्ड नाम की डॉग की जो एक प्रजाति है उनको भी शामिल किया गया है। भारत के लिए ये चीते कितने अहम हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 70 साल बाद हमारी धरती पर ये देखने को मिले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही डेली नए नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।